तो हम पहुंच चुके हैं फिर जागेश्वर, और मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया फिर, ये भैया लोग आ रहे पीछे से और मैं आप लोगों को कर रहा था दर्शन मंदिर के। हम तुम्हें ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाएगा जागेश्वर जाके, नए नए दर्शन करवाएंगे आज यहाँ के। स्नान करेंगे, यह कुंडी आकर तुमने डाल दिया क्या? पीछे मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ। तो गाइस अभी हमने जागेश्वर गए थे, उसके बाद हम झाकड़ स्टैम्प के दर्शन किए और अभी जा रहे हैं प्रेम मंदिर। और मैं तो स्कूटी चलाने में तक ब्लॉग नहीं बन पा रहा मेरे से, जहाँ जहाँ पे बन पा रहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यह है यहाँ की लोकेशन फिर, और यहाँ से इतनी अच्छी पहाड़ दिखी आगे को, वो आगे को भी दिखी, और ये रास्ता जाएगा प्रेम मंदिर को, शायद यहाँ गेट बनेगा अब उसका, और ऊपर जाके दिखाऊँगा मैं आप लोगों को, मंदिर के दर्शन भी कराऊँगा। यह रास्ता है आगे को, और यह है पहाड़ियाँ, अच्छी लग रही है, मौसम भी थोड़ा अच्छा है, धूप भी नहीं है, बादल भी नहीं है एकदम। तो गाइस लोकेशन देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ, और हम पहुँचने वाले प्रेम मंदिर। नाम सुना था मैंने, मेरे को पता भी नहीं था, और ढूंढते ढूंढते हम यहाँ मंदिर पहुँच गए। मंदिर थोड़ी सा आगे है, यहाँ बीच में स्कूल भी है, अगर कभी आओगे तो आप लोगों को लोकेशन मिल जाएगी। और वो भाई लोग पीछे आ रहे हैं अभी, एक रोड यही रोड पता नहीं कहाँ जाती है, इसका पता नहीं हमें। और यहाँ है मंदिर, अभी आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। और तो गाइस आ गया है प्रेम मंदिर, वो आ गया है प्रेम मंदिर, और अब हम जाते हैं आगे, आपको कराएंगे दर्शन मंदिर के। और हम शायद रोड आ गए नीचे मंदिर तक। मौसम चेंज होने लग गया आपको धीरे धीरे यहाँ। ये अंदर है मंदिर, ये मंदिर के पत्ते लगा रखे हैं प्लास्टिक के, अच्छे लग रहे हैं। ये है फिर प्रेम मंदिर, अब आएंगे अगली बार कभी, और अगर टारगेट बनेगा तो हमारा घूमने के साथ साथ यहाँ भी आएंगे। और ये नीचे आ रही कच्ची रोड, अभी पक्की नहीं हो रही है। यहाँ पे जू लग रहे हैं। और विक्की कैसा लगा फिर? मस्त लगा यार।
और अब कहाँ जाएगा? अब जाएंगे कहाँ है, वृद्ध जागेश्वर है, वृद्ध जागेश्वर, बूढ़ जागेश्वर झूला, बूढ़ जागेश्वर। और वो लोग पीछे फोटो शूट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस।